देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। सो यू वांट टेल मी? देख अंगद, मैं लास्ट टाइम पूछ रहा कि जो भी प्रॉब्लम है खोल के दस, मैं सुनने को तैयार हूं। जो तुम समझ रहे हो होता था कुछ नहीं होया, ये जो होया है वो तुझे समझ नहीं पाऊंगा। यह जा की है अंगद, अंगद तुम इन ऑफिस चल रहे हैं या नहीं? ब्रो प्लीज मैनु फोर्स ना करो, मैनु इत्थी रह लैन दो, क्योंकि मेरे सवालों के जवाब गल करके नहीं चुप रह के मिलने। अंकल तू मेरी गल समझ, मैं तेनु प्लीज प्लीज लीव मी अलोन। व्हाट द हेल इज हैपनिंग विद हिम? मैंने पता करना ही पाएगा। आई एम श्योर कि यदि सपने वाली इमेजिनरी दुनिया के पीछे कुछ प्रॉब्लम है, मैं सब सही करूंगा। इनफैक्ट मैंने ही सब सही करना पाएगा। वीर जी आज जुत्ती टूट गई है, तुसी सी दोगे? मैडम जी ये तो आनु जुत्ती सीन वाली दुकान लगती हैगी। तनु पंजाबी नहीं आंदी? ओहो मैडम जी पंजाबी ही तो बोली थी। ओ मतलब नहीं आंदी, तुसी मेरी जुत्ती सी दो, मैं तनु पंजाबी सिखा दांगी। आपने ये जुत्ती हमारी दुकान से ली थी? नहीं तुम्हारे से तो नहीं खरीदी। फिर तो मैडम जी ये जुत्ती असी नहीं सी सकदे। क्यों बारो खरीदी जुत्ती ली ताडे को धागा कट पै जांदा है। खैर छड्डो, तुसी मेनू कोई नवी जुत्ती दिखा दो। तुसी बैठो मैं तुम्हें जुत्तियां दिखा दूंगा, बैठो। आ देखो फर्स्ट क्लास जुत्ती है, पाके देखो पैरा च। होर दिखा दो। आ देखो बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन है। होर दिखा दो। हाँ जी हाँ। आ देखो मैडम आपके पैरा च ना बड़ी सोहनी लगेगी। अच्छा प्राइस की है? ये वाली दा 1000 रुपए है, ते वो वाली 2000 दी, ते ये 1500। एने हाई रेट? मैं पैरा विच पौनली जुत्ती लेनी है, व्यां ते पौनली लहंगा नहीं। ये ब्रांडेड जुत्ती है, तुसी आप ही ता किया सी कुछ वधिया दिखाओ। तुसी मैनू कुछ सस्ता जा दिखा दो। आ वाली देखो मैडम जी, आ लो पाके देखो पैरा च। आ सही है, आ मैनू दे दो 100 दे विच। आ पुरानी जुत्ती मैनू फड़ा दो, मैं इनू पैक कर दवां। थैंक यू। अच्छा मेरी ना रानी थोड़ी नाराज हो गई है, मैं उन्हें इत्थे छड़ के जा रही हूं, तुसी ख्याल रखोगे? रानी? रानी मेरी स्कूटी दा नाम है। अच्छा 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 ठीक है। आज मेरा पहला दिन ऑफिस दा, मैं वापसी ते ले जाऊंगी रानी नु। ठीक है मैडम जी कोई बात नहीं। ओके ओके। मम्मी ले आओ मेनू दियो, मैं कर दिया। रहन दे तू, इस घर च ते कोई मेनू चज्ज नाल काम भी नहीं करन देंदा। मैं प्याज लेऊं दी क्या सी, पता नहीं कोई लेके ही नहीं आया। ओहो मम्मी छड़ो, तुसी जो भी कर रहे हो ना बिल्कुल गलत कर रहे हो। आओ मां रानी जी, बस तुहाडी कमी सी, इस घर च ना हर कोई समझदार हो गया है, बस एक मेनू छड़ के मेनू ही कोई समझन की कोशिश नहीं करता। पता नहीं मेनू इस घर च कदों कोई समझेगा। तुसी बिल्कुल सही कह रहे हो भरजाई जी, इन्नी मुश्किल नाल तां इन्ना चंगा रिश्ता आया सी, रिश्ता मोड़न की वजह ही की सी? ओ माय गॉड, आ सूरज उल्टे पासे चढ़िया की? भुआ जी तुसी मम्मी नू सही कह रहे हो। मैं ना सिर्फ अतीशा दे ब्याह लई फिक्रमंद आ। सही है, पर मम्मी तुसी ने तां मुंह फुला के ना रिया करो, नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं होएगा। नाले जदों तुसी गुस्से हुंदे सी तां अतीशा दी तुहानू समझाउंदे सी ना।
ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਂਗੀ ਅਕ੍ਰਿਤੀ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ। ਪਰ ਮੰਮੀ। ਜਾ, ਫੋਨ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ। ਹੈਲੋ। ਹੈਲੋ, ਹੈਲੋ ਆਤਿਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਤੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦੀਵੀ ਅਤੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੌਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਰ ਜੇ ਅਕ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝੀ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਤਿਸ਼ਾ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੈਲੋ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਦੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਤਿਸ਼ੂ ਦੀ, ਤਿਸ਼ੂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਕੀ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਗੌਤਮ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ? ਹੈਲੋ ਆਤਿਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ। ਆਤਿਸ਼ਾ, ਇਟਸ ਮੀ ਅੰਗਦ, ਆਈ ਮਿਸ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਪਲੀਜ਼ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੂੰਗਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਪਲੀਜ਼। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਅ ਲੋਟ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਆਤਿਸ਼ਾ ਜੀ, ਆਤਿਸ਼ਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ? ਪਲੀਜ਼ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬੋਲੋ, ਪਲੀਜ਼ ਟਾਕ ਯਾਰ। ਹੈਲੋ, 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 ਇਹ ਆਤਿਸ਼ਾ ਦੇ ਮੋਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਈ? ਆਈ ਹੋਪ ਮੈਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕੱਟਦਾ। ਕੌਣ ਸੀ? ਮੰਮੀ, ਗੌਤਮ ਜੀ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕੌਣ? ਗੌਤਮ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ? ਮੰਮੀ, ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਕਿ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ? ਓ ਹੋ ਮੰਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਣਾ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਨਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਦੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਘੂਰ ਘੂਰ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਰ ਜੰਮ ਜਾਣ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਦੋ ਚਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਮੁੱਛਾਂ ਅਤੇ ਪੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੁਪੱਟੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਹੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੈ। ਯੈਸ ਮੈਮ, ਆਈ ਨੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਚਆਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿਉਂ? ਪਲੀਜ਼ ਬੈਠੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੋਭਾ ਜੀ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਆਉਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਸਭ ਖੈਰ ਸੁੱਖ ਤੇ ਹੈ? ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਸ਼ੋਭਾ ਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ? ਲਓ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਉਹਦੇ ਲਈ।
मैं ठीक हाँ मैं की कह रही सी कि तुसी काम तो छेती आ गए हो तो आतिशा नाल गल ही कर लेंगे। आतिशा नाल मैं गल कर लवांगा, इन्नी काली भी की है, उहदी पूरी जिंदगी दा सवाल है बेचारी दा, उहनूं थोड़ा सोचण दा टाइम तां दिओ। मैं टाइम जिहा देख के आप ही गल कर लवांगा। जिस तरह अजकल उहदे दिमाग च चल रहा है ना, वो सारी उम्र भी सोचेगी ना तो वह फैसला नहीं लै पाएगी। तुम हूँ ही उन्होंने बुलाओ तो उन्होंने कह दो कि मुंडा वधिया है तो रिश्ते लिए हाँ कर दे बस। मैं वो तो उसकी सलाह लवांगा, अपना फैसला उसके ऊपर थोपांगा नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, पूछ लो तुम। ठीक है। अच्छा अच्छा पुत्र हाँ जी पापा। अच्छा पुत्र मैं तुम्हें कहा सी ना मैं ड्यूटी ते आके गल करांगा, तुसी ब्याह बारे सोचा? तुसी ब्याह करवाना है? जे नहीं करवाना है तो क्यों नहीं करवाना? मैं तुहानू की दसा पापा, मेरे रिश्ते नू ना करन ते ही मम्मी इन्ना ज़्यादा पड़क गई सी। जे मैं दसिया कि मैं अपने लिए मुंडा खुद पसंद कर रखे, उन्होंने या तो आप मर जाना है या मैनू ही मार देना है। लो ले लो जवाब अपनी लाडली तो। पता नहीं केड़ा इहदे सिर ते भूत सवार होया, कदी सोचा भी नहीं सी कि आतिशा इदा करेगी। किन्नी चंगी ते सियाणी धी हुंदी सी मेरी, पर हुण मैनू ही तंग करन ते तुली होई है। इन्ने सालां तो उठदे बहिंदे बस मैं इक्को ही सपना इहदे विआह दा वेख्या सीगा। इहनू पुछो जरा क्यों मेरे सपने की परवाह नहीं कर रही है? इन्ना वधिया मुंडा है क्यों नहीं ये पसंद कर रही? बोल आतिशा, दस दे क्यों नहीं मैनू, दस। मम्मी तुसी शांत हो जाओ प्लीज, इधर आके बैठो, आ जाओ। क्यों इन्ना हाइपर हो जाते हो, शांत हो जाओ। शांति रहन कितने दी इन्हें मेरी जिंदगी च पुत्र? शोभा जी ये तुसी गल करनी है तो मैं इतों चले जाना, तुसी आप ही गल कर लो अपने ढंग नाल। और जे मैं गल करनी है तो तुसी प्लीज चुपचाप बैठे रहो। अच्छा पुत्र तुहानू किसे तो भी डरन की लोड़ नहीं है, तुहाडा जो भी फैसला है ना बेफिक्र होकर मैनू दस सकते हो। हायरिंग जल्दी खत्म करो, बिकॉज वी नीड टू स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। अंबर कल जड़ी मैं कुड़ी टेक्सटाइल डिजाइनर ली हायर की थी है, वो होर कोई नहीं। नो इश्यूज दक्ष, सो यू डिसाइड के की सही। ओके ओके कूल। हुने मनोज इत्थे की कर रहा है? दक्ष नु मिलन आया होना, पता लग गया होना कि मैं इत्थे जॉब कर रही हूँ, इत्थों भी कढ़वाना चाहता होना। पुछ लो सानू रवाउण वाले काम करके आप रोई जा रही है। इन्नी मुश्किल नाल ते घर च खुशियां आईयां सी, उहनां नू लत्त मार के ना आप खड़ी इत्थे हंजू वाई जा रही है। जे विआह करा लैंदी है उत्थे ते इहदी कल्ली दी जिंदगी नहीं सुधरेगी, नाल तुहाडे दोनों लई भी उहनां दे रिश्तेदारी दे विच्चों ही उहनां दे बराबर दे मुंडे मिल जाने ने। पर इह उदों समझेगी ना जे दा दिमाग काम करता होएगा ते। पर जाई जी ना बिल्कुल ठीक कह रहे ने, जे लक्ष्मी जी मत्थे ते तिलक ला रहे होन ना ते मुंह धोण वाली गल्लां नहीं करनियां चाहीदियां। इन्ना चंगा खानदान ते मुंडा सानू दोबारा नहीं मिलना। गूंगी बन के ना खड़ी रह, व्याह ना कराउण दा कारण दस मैनू। क्यों मेरी जान की दुश्मन बनी हुई है? मान जा आतिशा, चंगा रिश्ता है, असी तेरा बुरा थोड़ी ना चाहते हैं। मम्मी भुआ जी जे दी व्याह नहीं करवाना चाहते तो क्यों उन्हें तो पूछ के बार बार जबरदस्ती कर रहे हो तुसी? ओए रब दा वास्ता चुप हो जाओ तुसी सारे।
जिन्हों बोलना चाहिए वह बोल नहीं रही है। बाकी तुम सारी अपनी बकवास करी जा रहे हो। अच्छा पुत्र, जे तू अजे भी डिसाइड नहीं कर सकी ना तो मैं गौतम के पेरेंट्स को फोन करके इस विआह लई मना कर दिना। और ये हुण मेरा आखिरी फैसला है। मैनू किसी के भी सवाल जवाब की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, वीर जी ने ना बनिया बनाया खेल बिगाड़ देना है। मैनू कुछ करना पैना है। एक मिनट वीर जी, ये फैसला ना साढ़े परिवार लिए बहुत जरूरी है। तो मैनू नहीं लगता कि सानू ये फैसला गुस्से विच लेना चाहिए। तुसी अतिशा बारे सोच रहे हो पर जाई जी बारे भी तो सोचो। उन्हां दी तबीयत किन्नी खराब है ते जे रिश्ता हत्थों जांदा है ना उन्हां दी तबीयत होर भी खराब हो जानी है। सानू ना इस बारे विचार कर लेना चाहिए। ते मैनू लगता है कि भरजाई जी की तबीयत नू देखदे होए ते इस घर दे हालात नू वेखदे होए ना अतिशा इस रिश्ते लई मन जाएगी। इनू भी पता होएगा ना कि एदी जिद करके भरजाई जी नू कुछ हो गया ना ते इस सारी जिंदगी पछताएगी। भुआ जी, मैं ना सब समझ आ रहा तुसी की करन दी कोशिश कर रहे हो। तुसी ना अतिशा दीन नू इमोशनल ब्लैकमेल करन दी कोशिश बिल्कुल भी ना करो। ए गलत की कह रही है? जो कह रही है ना एक ना एक दिन हो ही जाना है। शोभा जी, तुसी अग ते घ्यो पाण वाला काम ना करो। तुहानू दोनों नू होया की है? ओए, एक रिश्ता तुहानू अतिशा तो ज्यादा मायने रखता है। जे उहनू रिश्ता ये पसंद नहीं है ना तो उहनू इस रिश्ते लई फोर्स ना करो। वीर जी, हले भी सोच लो। सानू फोन करन दे इन्नी कोई जल्दी नहीं है। हले तो मुंडे वाले ने भी जवाब नहीं मंगया। एक्सक्यूज मी, इत्थे अवनी नाम की कुड़ी होनी है, उन्हें अज ही ज्वाइन किया। दक्ष, अवनी तू तू मुंह का तिल कोया है? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੁਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੌਣ? ਅੰਬਰ? ਹਾਂ, ਉਹੀ ਮਨੂਸ। ਅਵਨੀ, ਉਹ ਚਾਰਮੀ ਆਰਗੈਨਿਕਸ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਅਵਨੀ, ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅੰਬਰ ਕਪੂਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ? ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਓਨਰ ਵੀ ਹੈ? ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਓਨਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੌਸ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ, ਪਰ ਵਟਸ ਦਾ ਮੈਟਰ, ਤੂੰ ਇਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ? ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਖੁਦ ਸਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਜੌਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜੌਬ ਵੀ ਮਿਲੀ ਉਸੇ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ। ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਇਕੱਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਵਾਟ? ਆਪਣੀ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਜੌਬ ਕੁਇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਟਨਰ। ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੂਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਤੋੜ ਫੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਸੋਰੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਬਚਪਨਾ ਕਦੋਂ ਜਾਏਗਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਟਸ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਹਰ। ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਚ ਸਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਆਸਮਾਨ ਸਜਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸਪਨੇ ਇਦਾਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤਾਰੇ ਟੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਇਹ ਸਭ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤਸ਼ਾ। ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਵਾ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪਏਗੀ। ਹੈਲੋ, ਬੱਚੇ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਕੱਟ ਕਰਤਾ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਘਰ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਪਾ, ਘਰ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਕਦੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜੋਬ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਦਕਸ਼ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜੋਬ? ਕਿਤੇ ਮੰਮੀ ਦਕਸ਼ ਜਾਂ ਸੌਮਿਆ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਨਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?